मैं फिर गाड़ियों की भी डिटेल लेंगे। अभी यार ठंड लगना स्टार्ट हो गई है, बादल बिल्कुल ही नीचे आए हुए हैं और ये आपको ना हल्की हल्की धुंध सी नज़र आ रही है, ये सारे बादल आए हुए हैं। आए आपको रिवर का नज़ारा कराते हैं। उस साइड पे, उस साइड पे देख। हाँ बस वो आएगा उधर की तो व्यू ही और है। अभी हम ताऊबर्ड की जो यहाँ पे रिवर जा रहा है उसके ऊपर एक पुल बनी हुई है, हम उस पुल के ऊपर हैं। यहाँ पर एक रस्सी लगी हुई है, आप ये नहीं पता कि रस्सी से आगे जाना है या नहीं जाना, बट अभी थोड़ी देर में जाते हैं। यार आप सीन चेक करो, आप ज़िंदगी में एक दफ़ा ताऊबर्ड ज़रूर आओ और कुदरती हुस्न, कुदरती नज़ारे ज़रूर देखो। अच्छा जी, तो अभी हम हैं फिशी फार्म जो है वहाँ पे जा रहे हैं और वो आपको दिखाते हैं कि कैसा है। देखा हुआ मैंने, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, बहुत बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत पुरफिज़ा और पुरसकून किस्म का ना इन्वायरमेंट है यहाँ पे। पानी की आवाज़ दरिया नीलम की आ रही है हल्की हल्की और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है हर तरफ। इस साइड पर है फिश फार्म। ये सामने है ट्राउट फिश। ये आपको नजर आ रही होगी ट्राउट फिश। वो इसको मैं जो क्लिप है भूल गया हूँ यार, क्लिप भूल गया हूँ उधर। ये देखो यहाँ पे फिश भी हैं। अरे एक मछली मर गई है क्या वो उधर? अच्छा जी, तो ये है फिश फार्म और मछलियाँ नज़र आ रही हैं, पानी बहुत साफ़ है, एक आध मछली मरी भी है। और ये नायाब फिशें यहाँ पे ही मिलती हैं, ये मरी हुई है। और ऐसी फिश आपको समंदर में नहीं मिलेंगी, ये दरियाओं में आती हैं और
ये लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं और जो है जहाँ डाल देते हैं। लेकिन हमने एक कुछ मर भी है काफ़ी बड़ा फिशिंग में नायाब की जो बहुत महंगी है, तो ये लोग क्या करते हैं दरिया पर काफ़ी सबसे यहाँ पर रखते हैं और उनको सेल कर देते हैं। यार ये हैं ताऊ बैठ के नज़ारे, जानकर सिंह मारी भैंस की। तो मेरी तो सीटी नहीं कर रही, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। हाँ भाई गुड है, भाई गुड है, शुक्र गुड हो गया, गुड हो गया। हाँ भाई लड़के गुड हो गया, भाई गुड हो गया, ऐसे ही शुक्र मेला लगा रखो। हरीश भाई गुड मेला लगा रखो। आ जाओ यार इस साइड ऊपर जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि वो जगह कहाँ पर है? ये पीछे साथ में है। कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट लगते हैं जी भाई। भाई कह रहे हैं कि ताऊबट के 20 मिनट की वॉक है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, वहाँ चलें। हाईली रिकमेंड किया हुआ है, तो इस वजह से हम सारे अब जा रहे हैं। 20 मिनट की वॉक करते हैं और फिर आपको वो वाला व्यू दिखाते हैं। यार इतना ज़बरदस्त इलाका है ना यार, इतना ज़बरदस्त इलाका है और पानी यहाँ का इतना साफ शफाफ पानी है। ये अभी हमने चौकियों वगैरह क्रॉस किए हैं और हम ताऊ बैट के थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। अच्छा जी, तो अभी हम ताऊबट से ना चौकियाँ क्रॉस करके काफ़ी आगे आ गए हैं, नीलम जो रिवर है इसके साथ साथ। तो बहुत ही प्यारी जगह है। अब दरख्त की छांव में बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा और इसके बाद हम प्लान करते हैं। एक तो प्लान ये करना है कि खाना क्या है, दूसरा प्लान ये करना है कि वापस कब जाना है, क्योंकि वापसी पर हमने प्लान किया हुआ है कि वापसी टूर में हम ना रथी गली जाएँगे और देखते हैं फिर कि रात को कितने बजे निकलना है। वो तो बता रहे हैं कि 2:30 बजे गाड़ी जाती है यहाँ से वापस, तो या तो फिर हम 2:30 बजे जाएंगे या फिर हम कल जाएंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो लड़के सारे बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं सारे, चल चल के थके हुए हैं। कश्मीर वाकई एक जन्नत है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मतलब कुछ चीज़ें इंसान बयान नहीं कर सकता, या तो आपको वीडियोज़ देख के आइडिया होगा और
या फिर जब आप ख़ुद आएंगे यहाँ पर इंजॉय करेंगे, देखेंगे तो नज़ारे देखेंगे, फील करेंगे। पैसे पूरे हो गए हमारे, बहुत मज़ा आया।